सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट मिल सके। आनंद मुखवासगी जो है माउथ फ्रेशनर का बादशाह, सौंफ, धना दाल, तिल, अजवाइन जैसे नेचुरल चीजों से बना, छोटों से लेकर बड़ों के खाने उपयोग। वाओ नाइस, मुझे भी चाहिए आनंद मुखवास। भरपूर ताजी सास अब आपके पास। आनंद मुखवास के साथ अब 50 पैसे, 1 रुपया, 5 रुपए और फैमिली पैक में भी उपलब्ध। नमस्कार, आदाब इन्वेस्टिगेशन न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं सुल्ताना से आज की ताजा एवं खबरों के साथ जलगांव से हमारे संवाददाता सैयद चाहत अली की खास रिपोर्ट। एसटी महामंडल कर्मचारी ने मौत को लगाया गले। एसटी महामंडल में कम पगार व उसमें अनियमितता से परेशानियों से मैं आत्महत्या करता हूँ, इसके जवाबदार एडल में काम करने वह हमारे मराठी मानस और ठाकरे सरकार है व शिवसेना। मेरे घर वाले को इसमें कोई संबंध नहीं है। संगठन में मेरा पीएफ व एलआईसी मेरे परिवार को दिया जाए, ऐसी कोशिश करी जाए, ऐसी गुजारिश करता हूँ। देखते हैं इन्वेस्टिगेशन न्यूज 24। मैं मंगला सोनोने, मैं जलगांव से यह सामाजिक कार्यकर्ता बोल रही हूँ। ये चौधरी भैया की आत्महत्या हुई है। उन्होंने जब पगार नहीं होता था इसलिए उन्होंने कंटाल के उन्होंने आत्महत्या करी है। और उनको जो अधिकारी थे ऊपर के उन्होंने बहुत प्रेशराइज करा, उन्होंने वारंवार सबके ड्यूटियाँ भी किए ले, तभी भी उनको पगार मिलती नहीं थी। उनको खाने तक के, किराए तक के, उसका घर भाड़े तक के उनको इतना प्रॉब्लम हो गया था। तो उन्होंने कंटाल के आत्महत्या कर ली। हम उनका प्रेत ताबे में नहीं लेंगे। उन्होंने जब तक इनकी क्या समस्या है वो जान नहीं जाएंगे उनके घर की ऊपर के अधिकारी, तब तक हम प्रेत हाथ में नहीं लेंगे। हम आंदोलन को बैठेंगे, सब सामाजिक कार्यकर्ता का उनको मदद करेंगे। नमस्कार। दूसरा जिम्मेदार नहीं है, सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। मतलब ताकि 4-4 महीने से ये डिपार्टमेंट के लोग हैं, इनके तनख्वाह नहीं है, सैलरी नहीं है, लोगों को कोई उधार माल नहीं दे रहा है, बैंक के हफ्ते रुके हुए हैं, वो बैंक उनको नहीं छोड़ रही है। आज खाने की किल्लत तक उनके घर में हो गई है और इसी को देखते उनके घर में पूरी फैमिली है और एक ही आदमी के ऊपर निर्भर है। तो इन्होंने खत पे सब लिखा हुआ है और आज उन्होंने आत्महत्या, मुझे लगता है इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई घटना हो ही नहीं सकती। लेकिन सरकार हमारी जो है वो बिल्कुल सुस्त है, मस्त है, राम भरोसे चल रही है। 3 लोगों की सरकार है, आपस में झगड़े, किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, किसको एमएससी करना है, किसको नहीं करना है, बस इसी में लगी हुई है। आज सरकार के कर्मचारी है उनको 3-4 महीने से पगार दी है। किसान जो अतिवृष्टि से, बारिश से परेशानी में, उनके घर में खाने को 1 किलो अनाज नहीं है, उनको मदद तो डिक्लेयर कर दी है लेकिन देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। बहाने बना रहे इलेक्शन का, उनकी दिवाली पूरी अंधेरे में गई है, मराठा समाज का आंदोलन चल रहा है, उनके बगैर सब पूरी एडमिशन रुक गई है राज्य की, सब जो सर्विस नौकरी की सुविधा है वो उसमें नहीं उपलब्ध हो रही है, वो भी रुक गई है। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय उनकी तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं, उनको प्रायोरिटी में कोई मुझे ये चीज़ें लगती नहीं है, उनकी प्रायोरिटी अलग ही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इतने मतलब कोई सरकार को कोई सीरियसनेस है ही नहीं, सीरियस ही नहीं किसी विषय के ऊपर सरकार। लोग कहते हैं मराठा समाज की कि हमें मुख्यमंत्री से मिलना है, तो कहते मैं नहीं मिलूंगा, तो ये मसला हल कैसे होगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि सरकार 3 पार्टी की चल रही है, किसी का किससे तालमेल नहीं है और इसलिए सब ये प्रॉब्लम निकल रहे हैं। और लोग आज आत्महत्या कर रहे हैं। कल रत्नागिरी में एक जो कंडक्टर था, ड्राइवर था, उसने आत्महत्या की, उन्होंने आत्महत्या की है, आज जलगांव में आत्महत्या की है, आज आक्रोश आंदोलन उनका चल रहा है।